वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी नाम का रोग, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। अगर क्लियरली देखा जाए तो विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। आप लोग कमेंट कीजिए विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो स्क्रिवी नाम की बीमारी, जिसमें मसूड़े में सूजन और ब्लीडिंग होता है। तो विटामिन सी की कमी से, और जितने भी खट्टे फल है, सब्जी है, ये सब विटामिन सी का सोर्स है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो देखिए विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेटस। रिकेटस नाम का बीमारी, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि हड्डियों से रिलेटेड होता है। हड्डी कमजोर हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और इसका सोर्स देखा जाए तो सनलाइट या फिर लीवर, जितने भी है, फिश ऑयल वगैरह विटामिन डी का मेन सोर्स है। दूध हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेबी का प्रोडक्शन नहीं होता है तो विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो स्कॉर्बिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए विटामिन को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो के ई डी ए कीड़ा से याद रखिएगा, कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये फैट सोल्यूबल है। और विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। क्लियर है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो के ई डी ए, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन में आएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ ई और ए और ई, इसमें के भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। ठीक है, चारों विटामिन फैट सोल्यूबल होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम कौन सा है? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, धावन सोडा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? बताइए पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम हमारे बोन से रिलेटेड है, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? आंखों का जो दान दिया जाता है उसमें कौन से भाग दिया जाता है? कॉर्निया। ठीक है, नेत्र जो होता है वो कॉर्निया का अग्र भाग होता है। ठीक है, मान लो कि ये नेत्र है तो जो आगे का फ्रंट का जो भाग होता है इसी भाग को दान में दिया जाता है, नेत्रदान में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन को कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी ट्वेल्व, क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व का ही नाम है कोबाल्ट करके कुछ नाम है। ठीक है ना, तो विटामिन बी ट्वेल्व में ही कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में रेड ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड कार्पसल्स का निर्माण होता है। रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स जितने भी है ये सब का सब हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120
120 H2 80 MmHg होता है, ठीक है, MmHg। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या होता है, तो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया था, 1907। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंजोर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो राज राजा प्रथम चोल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज राजा प्रथम चोल। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, अमरकोट के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान और उनके मुख्यालय, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है नोटबुक में नोट करते चलिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान, ये भी देहरादून में है, क्लियर है। नेक्स्ट है केंद्रीय पंछी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है, तो इज्जत नगर, केंद्रीय पंछी शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है, नागपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, तो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर में। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान, तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये नागपुर में है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है, क्लियर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, मृदा विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मृदा मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान यह करनाल में है, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बंगलोर हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलोर। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये आपका देहरादून में। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, क्लियर है, नई दिल्ली ये आंसर है, नई दिल्ली। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, सलीम अली पंछी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास, इतिहास कहाँ पर है, सलीम अली पंछी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास ये आपका केंद्र कोयम्बटूर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र कोयम्बटूर, केंद्र कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ये भी कोलकाता में है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका झांसी में है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है, भारतीय मौसम वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान ये लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद झारखंड में, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान
ये धनबाद झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान ये कोलकाता में, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान ये कहाँ पर, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जादूगोड़ा, जादूगोड़ा झारखंड में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जादूगोड़ा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।